पति ने अपने ही पत्नी को अवैध संबंधों के शक में धारदार हथियार से पत्नी की गर्दन काट डाली और अपनी पत्नी का सिर फरसे से कलम कर थाने लेकर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने प्रेमी पर भी हमला किया। घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्रामीण इलाके की बताई जा रही है। पड़ोस की युवती अंतिमा ने बताया कि मृतका विमला अपनी जान बचाने के लिए उनके घर आई थी, लेकिन उसका पति गुस्से में आया और उसको ले जाकर उसका सिर काट डाला। अंतिमा ने बताया कि हमने महिला को बचाने का प्रयास किया था तो वह हम पर भी हमलावर हो गया था, जिससे जान बचाकर भागना पड़ा था। सपा के पूर्व विधायक विशंभर यादव ने बताया कि घटना अवैध संबंधों के शक पर हुई है। उन्होंने कहा कि विमला के पति किन्नर ने पड़ोस के बंटा नाई पर हमला किया और उसको बचाने आई पत्नी विमला पर भी वार किया, जिससे मृतिका विमला ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, फरसे से काट दिया और फिर सिर लेकर थाने पहुंच गया। अंतिमा जी, ये क्या घटना हुई है, किस प्रकार घटना है ये? पता नहीं, अब जैसे हुआ झगड़े में, अब हम नहीं थे जो भी इनके जान बचाने के लिए यहाँ छिपी थी हमारे घर में। अच्छा, कौन छिपी थी? ये जो पड़ी है जिनका, क्या नाम था इनका? विमला। तो क्या हुआ, का उनके साथ क्या घटना हुई है? अब हमें नहीं पता वहाँ घर में जो भी हुआ हो, लेकिन मारा था तो भाग के यहाँ आए थे तो गेट नहीं बंद कर पाए तो मारे। क्या गर्दन वगैरह काटी गई, का है मामला ये? गर्दन काट के ले गए चौकी, कह रहे थे जो भी आगे उसे भी मार। हम पकड़ने जा रहे थे तो हमें भी मारने को डर, तो हम भाग लेते। अच्छा, किसने मारा है? इनके पति। क्या नाम था पति का? किन्नर। कहाँ की घटना है ये? जहाँ हम खड़े हैं ये सामने उसका घर है, विमला नाम है इस लड़की का, इसके पति का नाम है किन्नर। बगल का घर उसका है जो बंटा नाम का नाई है। बंटा नाम के नाई के ऊपर पहले भी कई लड़कियों को भगाने का आरोप है। हमको जो ये जानकारी मिली, अब अवैध संबंधों के चलते ये घटना घटी है। सुबह सुबह 6:30 बजे की घटना है। उसने, किन्नर ने इसको, बंटा को घर से बुलाया है, बंटा को घर से बुला करके बंटा के ऊपर वार किया है, तो महिला आकर के बचाने को उसको आई है विमला। और विमला जब बचाने आई है तो फिर उसके ऊपर यहाँ गिरा करके वार किया। पहले वो अपने घर के भीतर भागी है, फिर घर के भीतर भी वार किया, तो वहाँ से भाग करके वो अपने बुआ के घर पे गई है। बुआ के घर में कमरे में घुस गई है, तो कमरे में भी उसके ऊपर वार किया है। और जब पूरी तौर से उसकी गर्दन नहीं कट पाई तो उस पूरी महिला को घसीट करके बाहर बरामदे में लाया है और बरामदे में उसे फरसे से उसकी गर्दन काटी है। ये है। ठीक सर।